بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Arabic elective inter part 2 के online classes का सिलसिला जारी है और lecture number 2 professor Anwarul Islam Qureshi Shoba Arabi Government Postgraduate College Satellite Town Rawalpindi Aziz Talaba आज हम सबक नंबर 26 पढ़ेंगे और ये इंटर पार्ट 2 अरबिक हदीकतुल अदब का सबक नंबर 1 है। सबक का मौजू है सैयद जमालुद्दीन अल अफगानी और ये सैयद जमालुद्दीन अफगानी के बारे में है। ये आपको स्क्रीन पर सबक के जो इब्तदाई मुश्किल अल्फाज हैं, कलिमात हैं, उनके मानी नजर आ रहे हैं। हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। आप इन मानी को याद कीजिए ताकि सबक बामावरा पढ़ने में आपके लिए आसानी हो। काना सैयद जमालुद्दीन अफगानी मिन अर-रईल अल-अव्वल लिज़ुअमा अल-मुस्लिमीन। ज़ुअमा ज़ईम की जमा लीडर को कहते हैं, रईल इसकी जमा रियालुन है, ये भी लीडर और कायद के मानों में इस्तेमाल होता है। सैयद जमालुद्दीन अफगानी उन मुसलमान कायदीन के लीडर थे, अल्लज़ीन नादू बिल वहदतिल इस्लामिया, नादू जिन्होंने बुलाया, दावत दी, बिल वहदतिल इस्लामिया इस्लामी वहदत की, अला मबादिल अदल अल इस्लामिया व शूरा अद डेमोक्रेटिया, जिन्होंने इस्लामी अदल के उसूलों और शूराई जमहूरियत की बुनियाद पर इस्लामी इत्तेहाद की दावत दी। वक़द वुलिद बिक़रियत असद आबाद मिन अमाल काबुल फी अफगानिस्तान। आप अफगानिस्तान में काबुल के मजाफात में वाके एक गांव असद आबाद में पैदा हुए। करिया कहते हैं गांव को, असद आबाद इस्म करिया है। आमाल कहते हैं मजाफात, सराउंडिंग एरियाज। वयंतही नसबहु इला सैयदिना अल हुसैन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। आपका सिलसिला नसब सैयदना हुसैन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंचता है। यंतही का मतलब होता है पहुंचता है, फेले मुजारे है। कानत उसरतुहु आपका खानदान, उसरा कहते हैं खानदान को, फैमिली कबीला, मिनल उसर उसर उसरा की जमा है, फैमिलीज खानदान कबीले। अलकरीमा करीमा कहते हैं अलकरीमा मुअज्जज शरीफ, मिन हुकाम अल अकालीम अल अफगानिया। आपका खानदान मुअज्जज खानदानों और अफगानिस्तान के इलाकाई हुक्मरानों में से था। फी हाज़िहिल बिया व फी हाज़िहिल बिलाद, अलबिया कहते हैं माहौल को और बिलाद कहते हैं मुल्क को। इस माहौल और इस मुल्क में नशा व तरअरा अल अफगानी, अफगानी ने नश्वो नुमा पाई और पले बड़े। तरअरा का मतलब होता है अरबी जुबान में पढ़ना, बलना, नमू पाना, तरक्की पाना। नशा का भी मतलब होता है नश्वो नुमा पाना, तरक्की पाना। हत्ता बलगा अस्सामीन मिन उम्रिही, यहां तक के आप उम्र के 8 साल की उम्र को पहुंच गए। हत्ता यहां तक के, बलगा फेले माजी है, इसका मुजारे है यबलुगु, बलगा यबलुगु पहुंचना, उम्र के किसी हिस्से तक पहुंचना। फतहव्वला इला काबुल, फिर आप काबुल की तरफ मुंतकिल हो गए। हैसु दरसा अल उलूम अल अरबिया वल अदबिया वल शरईया अला मा तआरफा अलैहि الناس في عصره। हैसु दरसा, यहां आपने यानी के काबुल में आपने अरबी, अदबी, शरई उलूम हासिल किए जो उस जमाने में
लोगों के दरमियान मारूफ थे। अलामा तारफा अलैहि नास फी असरही, असरही का मतलब तो है जमाने में, और जो उस जमाने में लोगों के दरमियान मारूफ थे। वतअल्लमा अलअदीद मिन अल्लुगात कल फरंसिया व तुर्किया वल इंग्लिजिया वल रूसिया बिल इदाफा इला अरबिया वल फारसिया, आपने अरबी और फारसी के अलावा बेशुमार मुतअद्दद ज़ुबानें फ्रांसीसी, तुर्की, अंग्रेजी, रूसी और रूसी ज़ुबानें सीखी। सुम्मा खराजा, खराजा फेले माजी है, अल अफगानी में मस्कत रासी ही, फिर अफगानी अपने जाए विलादत से निकले। लकै यजूरा बिलाद अल आलम व आवासिमहा, ताके वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालक और उनके दारुल खलाफे उनको देख सके। आवासिम, आसिमा की जमा, आसिमा कहते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ एनी स्टेट, जिसको दारुल हकूमत आप कहते हैं, जैसे इस्लामाबाद आसिमा दो पाकिस्तान। बिलाद बलद की जमा है, कंट्रीज ममालक। व यतूफ फीहा माशा अल्लाह अन यतूफा, और जब तक अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सैर की तौफीक से नवाजा, आप इन ममालक की सैर में मसरूफ रहे। फजारा बिलाद अल हिंद, फिर आपने हिंदुस्तान व ईरान व हिजाज व मिस्र व तुर्किया व इंगल्तरा व फ्रांसा व रूसिया, फिर आपने हिंदुस्तान, ईरान, हिजाज, मिस्र, तुर्की, इंग्लिस्तान, फ्रांस और रूस की सैर की। वबीमा अन्नल अफगानी काना बईद अल हम व जलील अल आजाइम व अजीम अल इरादा, और इसी तरह अफगानी, वबीमा और इसी तरह बेशक अफगानी गम को खातर में न लाते, आला अजाइम जलील अल अजाइम पुख्ता अजाइम आला अजाइम व अजीम अल इरादा, और पुख्ता और अजीम इरादे के मालिक थे। फनसरफा अन दारी वल हयात ज़ौजिया वल अशीरा वल कबीला, फनसरफा माजी है, इनसरफा छोड़ दिया, खैराबाद कह दिया, अन दार अपने घर को, वल हयात ज़ौजिया अज़दवाजी जिंदगी को, फैमिली लाइफ को, वल अशीरा और खानदान को, वल कबीला और कबीले को, फिर आपने अपना घर, अज़दवाजी जिंदगी, खानदान और कबीले को खैराबाद कह दिया। वजअला नसबा, ये दोनों माजी है, वजअला माजी है, जअला माजी है, यजअलु मुजारी है, नसबा माजी है, इसका मुजारी है यनसुबु। आइनी अल वतन अल इस्लामी व शर्फ अल इंसानी, और आपने इस्लामी वतन और इंसानी शर्फ को अपना नस्बुल ऐन बनाया। अजीज तलबा, यहां तक आपको मुश्किल अल्फाज के मानी, फेले मुजारे और उनका माजी, और माजी का मुजारे और मुजारे का माजी, वो मैंने साथ साथ आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर इसमें कोई मुश्किल हो, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो, तो आप मुझे ऑनलाइन जो है वो फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस इंटर अरेबिक पार्ट टू की ये सिलसिला इंशाल्लाह रोज़ाना की बेसिस पर चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें इल्म दीन और इल्म इस्लाम समझने की और फहम की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अपना मोबाइल